दोस्तों आज की ये वीडियो बिल्कुल कड़क होने वाली है, मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं दो शेरों की वीडियो दिखाने वाला हूं, दो शेरों की टक्कर दिखाने वाला हूं, लड़ाई दिखाने वाला हूं। यति नरसिंहानंद सरस्वती वर्सेस हिंदुस्तानी भाऊ। दोस्तों सबसे पहले मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती की वीडियो दिखाना चाहता हूं, किस तरह वो हिंदुओं के माओं को गाली दे रहे हैं बिल्कुल खुलेआम, वो भी कैमरे के सामने। लेकिन हिंदुस्तानी भाऊ ने भी जवाब दिया, क्योंकि यति नरसिंहानंद सरस्वती नफरत फैला रहे थे। तो सबसे पहले आइए यति नरसिंहानंद सरस्वती की वो वीडियो देखिए, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, देखिए हिंदुस्तानी भाऊ ऐसे इंसान हैं जो हिंदुस्तानी भाऊ को गाली देते हैं, हिंदुस्तानी भाऊ उसे गाली देते हैं, या अगर कोई हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तानी भाऊ उन्हें गाली देते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए वीडियो, किस तरह यति नरसिंहानंद सरस्वती हिंदुओं की माओं को गाली दे रहे हैं। दोस्तों आप लोगों की माओं को, जो हिंदू भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, आपकी माओं को, आप लोगों की माओं को यति नरसिंहानंद सरस्वती एक महंत होकर, पुजारी होकर के किस तरह गाली दे रहे हैं। सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद हिंदुस्तानी भाव की वीडियो दिखाऊंगा, देखिए। चलो चमचागिरी ज्यादा मत करो, चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माचुद वाली। वीडियो देख लिया, वीडियो देख लिया, खुलेआम यति नरसिंहानंद सरस्वती कह रहे हैं, मैं दोहरा नहीं सकता हूं। तो हिंदुस्तानी भाऊ ने भी वीडियो बनाई और वीडियो में उन्हें भी गाली दिया। तो कुछ लोग यति नरसिंहानंद सरस्वती के मानने वाले हिंदुस्तानी भाऊ को टारगेट करने लगे, उनके खिलाफ होने लगे और हिंदुस्तानी भाऊ को गाली देने लगे। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा हिंदुस्तानी भाऊ को, लेकिन मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं जो हिंदुस्तानी भाऊ के खिलाफ अभी हो गए हैं, जो यति नरसिंहानंद सरस्वती जो गाली बकी, क्या वो गाली नहीं थी? क्या देश को तोड़ने वाली बात नहीं थी? तो ऐसे इंसान को अगर हिंदुस्तानी भाऊ गाली दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत है गालियों से, तो यति नरसिंहानंद सरस्वती को भी रोकिए, हिंदुस्तानी भाऊ को भी रोकिए, मैं भी रोकूंगा। क्योंकि किसी इंसान को अगर गाली देते हैं कोई, तो वो बुरी बात है। तो यति नरसिंहानंद सरस्वती को आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी भाऊ को बोल रहे हैं। तो देखिए हिंदुस्तानी भाऊ की वीडियो। आज बात करेंगे धर्म के ठेकेदारों के ऊपर। ये आपके पंडित ने ये इनके बारे में है, मुसलमान के बारे में इतना बोला, कौन बड़ा किया रे इनको? ये दोस्तों वीडियो मैंने कटिंग कर दिया है, वो गाली मैं नहीं सुना सकता हूं आप लोगों को। तो कहने का मतलब ये है, ये वीडियो हिंदुस्तानी भाऊ दिखा करके यति नरसिंहानंद सरस्वती को जवाब दिया, लेकिन इससे बहुत ही बुरी बुरी गाली दी है। जैसे मैंने वीडियो दिखाई अभी, उसी तरह कई वीडियो में यति नरसिंहानंद सरस्वती हिंदुओं को टारगेट किए हैं और गाली दिए हैं। मुसलमानों को तो छोड़िए, मुसलमानों को तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, वायरस का कीड़ा बोल देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं आप लोग जानते होंगे। तो कहने का मतलब है, यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कई हिंदू भाई हैं। क्यों? क्योंकि यति नरसिंहानंद सरस्वती नफरत फैलाने वाले इंसान हैं। अगर नफरत फैलाने वाले अगर नहीं होते, तो एक साधु संत होकर के, महंत होकर के इस तरह मुसलमानों को और हिंदुओं की माओं को गाली नहीं देते। तो कहने का मतलब यही है कि अगर वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो सनातन धर्म का प्रचार करते, अगर सनातन धर्म का प्रचार करते, तो मैं भी यति नरसिंहानंद सरस्वती का साथ देता, क्योंकि मैं, मुझे पता है इस्लाम और सनातन एक ही है। तो जो हिंदुस्तानी भाऊ ने जो गाली दी है और यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जो गाली दी है, तो देखिए मैं गालियों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि लोग हिंदुस्तानी भाऊ के खिलाफ हो गए हैं और यति नरसिंहानंद सरस्वती को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह एक साइड क्यों? और एक बात आप लोगों को बता देता हूं, देखिए अभी हिंदुस्तानी भाऊ अभी उठे हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ, और कई हिंदू भाई भी बोल रहे हैं उनके खिलाफ, लेकिन अभी हजारों हिंदू भाई उठेंगे यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ, उठेंगे और यति नरसिंहानंद सरस्वती की आवाज दबेगी और दबना तय है। दोस्तों मेरी बातों से सहमत हैं? पूरी रिपोर्ट, पूरी वीडियो के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो YouTube पर अपलोड करता रहता हूं।